फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल विद अस। आज मैं आपको बताऊंगी ट्राउजर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन पोटली बटन और डोरी लूप्स के साथ। तो इस तरह से मैंने अपने सिंपल ट्राउजर को कट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे सिंपल ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह की पेस्टिंग बुकरम ली है जिसकी लंबाई है 10.5 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 2.2 इंच। अब हम सबसे पहले पेस्टिंग बुकरम को फोल्ड करते हुए इसमें अपने पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह की पेस्टिंग बुकरम ली है जिसकी लंबाई मैंने ली है 10.5 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 2.2 इंच। अब हम पेस्टिंग बुकरम को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी फोल्डिंग साइड 0.2 इंच की यानी कि 0.2 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और एक साइड इस तरह से 1/2 इंच लेते हुए इस पैटर्न की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हम इस पैटर्न को कपड़े की उल्टी साइड पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से पैटर्न को मैंने कपड़े की उल्टी साइड पेस्ट कर लिया है और बाहर की साइड से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए कपड़े की तीनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरह से पोटली बटन और इस तरह से 2.5 इंच के लूप्स तैयार कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी डोरी की वीडियो नहीं देखी है तो डोरी की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और इस तरह की पोटली बटन बनाने के लिए मैंने इस तरह से स्क्वायर पीस लिया है जिसके अंदर हम कॉटन की बॉल्स बनाकर इसको बंद करेंगे इस तरह से। कुछ इस तरह से तो सेम इसी तरह से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पोटली बटन और इस तरह से लूप्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पैटर्न में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से पैटर्न के तीनों साइड मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और इस तरह से इसका सेंटर लेते हुए इसमें लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पैटर्न को ट्राउज़र की सीधी साइड जॉइंट करेंगे। तो ट्राउज़र को भी मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है और इस तरह से फोल्ड करते हुए ट्राउज़र का भी सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हम इस पैटर्न को इस तरह से सेंटर में रखते हुए बुकरम के बगल बगल इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पैटर्न में पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो ये हिले ना। आप चाहो तो इस तरह से पहले सेंटर में इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। अब हम इस तरह से बुकरम के बगल बगल इसमें सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से मैंने पैटर्न को ट्राउज़र के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम अंदर की साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से सिलाई से दूर इसमें कट लगा देंगे ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। अब हम इस पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करते हुए पैटर्न में अच्छे से आयरन कर लेंगे। इस तरह से, तो चलिए अब इसमें इस तरह से आयरन कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने ट्राउज़र में अच्छे से आयरन करके इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम ट्राउज़र की एक साइड इस तरह से लूप्स को लगाते हुए इस तरह से ट्राउज़र में स्टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले एक साइड इसी तरह से लूप लगाकर इस ट्राउज़र को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से, तो एक साइड मैंने लूप्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी दूसरी साइड इस तरह से पोटली बटन को रखते हुए इन पोटली बटन को इसमें स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पक्का करते हुए, तो चलिए इसी तरह से पूरी पोटली बटन को इसमें स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से पोटली बटन लगाकर मैंने अपने ट्राउजर के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेम इसी तरह से अपनी दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।